विजयदशमी की पीएम मोदी ने दी बधाई। विजयदशमी पर राष्ट्र को 7 नई रक्षा कंपनियां समर्पित करेंगे पीएम। विजयदशमी की सीएम योगी ने दी सभी को शुभकामनाएं। विजयदशमी पर सीएम की विशेष पूजा अर्चना। भाजपा ने अखिलेश को बताया था गुमशुदा, सपा का पलटवार, सीएम योगी को बताया लापता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट, प्रियंका गांधी ने देशवासियों को दी बधाई, विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी, कार सवार 4 लोगों की हादसे में मौत, तालाब में डूबने से 4 लोगों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। मिर्जापुर नवरात्रि और दशहरा त्योहार पर नगर में रोशनी के बीच पंडाल लगाकर दुर्गा प्रतिमाएं रखी गई हैं। आयोजक जगह जगह माता दुर्गा की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की है। नगर के घंटाघर घंटेश्वर महादेव दुर्गा कमेटी ने घंटाघर प्रांगण को लाइटिंग कर बहुत वृहद पैमाने पर सजाया है और गोल्डन रोशनी में माता की प्रतिमा को सजाया और सवारा गया है। जितने भी भक्त माता के दर्शन करने आ रहे हैं, माता की मूर्ति और सजावट देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। औरैया जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। युवती का अंतिम संस्कार होने के बाद युवती का जिंदा लौट आई है। बता दें कि पूरा मामला औरैया कोतवाली के क्योरंटा गांव का है, जहां एक युवती लगभग 1.5 महीने पूर्व लापता हुई थी। लापता होने के बाद युवती के पिता ने सदर कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इस प्रकरण में मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी, लेकिन युवती की जानकारी नहीं मिल पाई। इसी बीच गायब युवती के गांव के पास यमुना नदी के किनारे एक लड़की का अज्ञात शव मिला, जिसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के परिजनों को जब लाश की शिनाख्त कराई तो परिजनों ने अपनी अपहृत पुत्री के रूप में की। पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने नाम दर्ज आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया, लेकिन इस शिनाख्त से पुलिस संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि गायब युवती की उम्र 22 वर्ष थी और अज्ञात युवती जिसका शव नदी किनारे मिला था उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष थी। पुलिस ने शिनाख्त के बाद खोजबीन जारी की और गायब युवती को ढूंढ निकाला। पुलिस ने सर्वेलांस की मदद से गायब युवती हरियाणा के गुरुग्राम से बरामद कर ली और क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, साथ ही बरामद युवती का कोर्ट में बयान कराया गया है। केवटरा गांव के रामनरेश कठेरिया के द्वारा अपनी पुत्री शिवानी उर्फ अंगूरी के गायब होने की सूचना दी गई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर SI कालीचरण के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और कोतवाली पुलिस द्वारा उसकी बरामदगी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच दिनांक 12 अक्टूबर को एक डिकम्पोज्ड बॉडी जो लड़की की थी वो यमुना नदी के किनारे आके लग गई थी, जिसकी पहचान केवटरा में रह रहे परिजनों द्वारा शिवानी के पिता और माता द्वारा यह बताया गया कि ये उनकी पुत्री है। बातचीत के लिए संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद, जिस तरह से ये मामला अजीबोगरीब सामने आया है, तो जब युवती वापस आई तो उसका क्या कहना है, किस तरह से वो गायब हुई थी? जी, मैं आपको बता दूं कि औरैया कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है। ये युवती कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, उसके परिजनों द्वारा उसकी शिनाख्त की गई थी, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। वही युवती 2 दिन पहले पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। पुलिस द्वारा बरामद की जाती है, शिनाख्त की जाती है, खोजबीन भी रखा गया जारी। क्या कुछ उसने जानकारी या बयान दिया है? जब प्राइम टीवी की टीम ने लड़की से बात की थी, उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं, मेरी माता और पिता ने किस तरीके से मुझको मुझसे ध्वस्त कर दिया है, मैं किसी दिल्ली में जाके मैंने शादी कर ली थी। तो शादी के लिए प्रेम प्रसंग के चलते वो घर से गायब हो गई थी युवती? जी जी जी, प्रेम प्रसंग के चलते घर से वो गायब हो गई थी, घर वालों को पता नहीं था।
और वहीं पर एक बॉडी जमुना पर मिलती है, तो वहां पर जाके पुलिस द्वारा शनाख्त की जाती है, उससे परिजन कहते हैं ये बेटी हमारी है, ये बेटी की हमारी बॉडी है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर मेरे साथ संवाददाता जाहिद जुड़े थे औरैया से। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में शादी से वापस लौटी 7 युवक गांव के बाहर रास्ता भटक गए। वहीं रास्ते में तालाब में गाड़ी पलट गई, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर के कोतवाली देहात क्षेत्र में आज रात में एक दुखद दर्दनाक घटना हुआ, जो शादी से 7 बच्चे वेगनार गाड़ी में लौट रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 16 से 22 वर्ष थी। 4 लड़कों की गाड़ी पलटने से एक तालाब, बड़ा तालाब था जिसमें सिंघाड़ा था, लताएं थी, गाड़ी पलट गई, उसे मौके औरैया का बिजनौर का ये मामला सामने आया है, जहां पर गाड़ी पलट गई, जहाँ 4 युवक रास्ता भूल गए थे और बाद में जब उनकी तलाश की गई और गाड़ी यहाँ मौजूद मिली है। बिजनौर के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का ये मामला है, जहाँ शादी से वापस लौट रहे 7 युवक गांव के बाहर रास्ता भटक गए थे। वहीं रास्ते में तालाब में गाड़ी पलट गई, 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तालाब में डूब गई है गाड़ी और 4 युवकों की मौत भी हो गई। बुलंदशहर में जिला राजकीय अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया गया है, सही से जांच नहीं करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि एक बच्चे की जिला राजकीय अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जिला राजकीय अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की सही ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया गया और ना ही दवाई सही से दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की उम्र 8 महीने बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है। गोरखपुर में परंपरा के मुताबिक विजयदशमी के दिन गोरखनाथ मंदिर के से गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ वातावरण में धूमधाम से निकालेगी। शाम 4 बजे निकलने वाली शोभा यात्रा के विजय रथ में खुद गोरक्षपीठेश्वर योगी आदित्यनाथ सवार रहेंगे। गाजे बाजे की गूंज की निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचकर विराम लेगी, जहां योगी आदित्यनाथ पहले शक्ति पूजा करेंगे, उसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम को तिलक लगाएंगे। तो सीएम योगी की अगुवाई में ये शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद वो रामलीला मैदान जाएंगे, जहां श्री राम को तिलक भी करेंगे। आपको बता दें कि ये शोभा यात्रा हर बार भव्य तरीके से निकाली जाती है और इस बार भी भव्य तरीके से इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और गोरक्षपीठ की विजय शोभा यात्रा श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में धूमधाम से निकाली जाएगी। शाम 4 बजे ये शोभा यात्रा निकलेगी और खुद गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में सवार रहेंगे। गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा अंधियारी बाग स्थित मानसरोवर मंदिर पहुंचकर विराम लेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहले शक्ति पूजा करेंगे, उसके बाद रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम को तिलक लगाएंगे। तो हर बार की तरह इस बार भी ये शोभा यात्रा भव्य होगी और भव्य तरीके से ही हर बार की तरह आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस शोभा यात्रा में मौजूद रहेंगे। तो गोरखपुर में 3 दिन से पहले से ही मौजूद है सीएम योगी आदित्यनाथ और आज दशहरे के दिन भी वो मौजूद है। आपको बता दें कि इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गोविंद जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से पूरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गोरखनाथ मंदिर का पारंपरिक शोभा यात्रा है, जिसको नाथ संप्रदाय हर वर्ष लगातार कई वर्षों से ये निकलता चला आ रहा है। हालांकि कोविड काल में 1 साल इस शोभा यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन इस बार फिर ये शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अगुवा रहेंगे और वो गोरखनाथ मंदिर से निकलकर मानसरोवर पहुंचेंगे।
जहां वो रामलीला में जो राम और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले कलाकार हैं उनका राज तिलक करेंगे। गोविंद, जब ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी तो उस वक्त का माहौल कैसा रहेगा और जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद रहेंगे तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कल से ही मॉक ड्रिल की गई थी। जो भी स्थान थे, जो उनका निकलने वाला स्थान था, उस पे देर रात ही डीएम एसएसपी ने पूरी तरीके से मुस्तैदी बरतते हुए पुलिस फोर्स लगा दिए थे और यहाँ पीएससी के साथ साथ आरएएफ के साथ कई दरोगा और लगभग सैकड़ों पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है, जो चप्पे चप्पर में मौजूद है। एक एक घर जो छत है उस पर भी पुलिस निगरानी बनाई हुई है और हर एक आने जाने वाले पर कड़ाई से नजर रखी जा रही है। कोरोना के मामलों में कमी तो आ गई है लेकिन अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या पहले की तरह भीड़ रहेगी या कुछ कमी देखने को मिलेगी? जी, कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो रामलीला कमेटी है उसने पूरी तरीके से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करने के लिए तमाम तरह के जो नियम है उसको बनाया गया है। वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, मास्क लगा के आना पूरी तरीके से आना वहाँ पे अलाउ है। जो भी बिना मास्क के वहाँ प्रवेश करेगा उसका प्रवेश वर्जित है। तो कुल मिलाजुला करके हैं, कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पे पूरी तरीके से पालन की जा रही है और लोगों से करवाई भी जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गोविंद जुड़े थे गोरखपुर से। वहीं अब अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां बेहजम ब्लॉक क्षेत्र के गोला कस्ता मार्ग की एक घटना है, जहां के गडरिया चौराहे से भूपतिपुर को गई रोड पर गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़क को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश के हर जिले की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी और कमीशन खोरी की वजह से सरकार की मंशा पर पानी फिर रहा है। साथ ही सड़क के गड्ढे भले ही ना भरे लेकिन जिम्मेदारों की जेब जरूर भर रही है। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना इलाके के धुनुपुरा गांव में इंदिरा एक्सपोर्ट फर्म में कपड़े सफाई करने के दौरान मजाक में एक युवक की मौत हो गई। एक युवक ने अपने दोस्त के पेट में कंप्रेशर से हवा भर दी। हवा पेट में जाने से असलम की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में असलम को उसके साथ ही अस्पताल ले गए, जहां असलम को भर्ती कर उसका इलाज करवाया गया। इलाज के दौरान असलम की अस्पताल में ही मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची थाना पाकबड़ा पुलिस ने असलम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। ये थाना पाकबाड़ा क्षेत्र में एक लड़के की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। इसमें तथाकथित रूप से बताया गया है कि अन्य लड़के ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो लगा दी थी, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जिस लड़के पर आरोप लगाया गया उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक मेरा चचेरा भाई है, ये लोग मढ़न में रहते हैं और इसका एक दोस्त था फरहान, इस मृतक का नाम असलम है। ये लोग फैक्ट्री में काम करने आते थे लोधीपुर में, इंदिरा इंटरनेशनल फैक्ट्री, उसमें ये मजदूरी का काम करते थे। रोज़ साथ आते थे, रोज़ साथ जाते थे। लेकिन ये कल शाम 6:30 बजे के करीब, मैं पाकुड़े रहता हूँ, ये लोग हमारे घर पे लेकर आए थे मेरे भाई को, तो इसका पेट फूला हुआ था, पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, बेहोश था। हमने पूछा क्या है, तो वो जो लड़का फरहान, इसका जो दोस्त है, उसने बताया कि हम मजाक कर रहे थे और मजाक में मैंने वो प्रेशर, हवा का प्रेशर होता है, इसकी लैटिन के रास्ते पे भी लगा दिया। मामला फतेहपुर जनपद के विकासखंड देवमई ब्लॉक के कौरिया गांव का है, जहां प्रधान संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने प्रधान शिव देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों द्वारा याद किया गया। बताते चले कि विकासखंड देवमई ब्लॉक के कौरिया ग्राम सभा के छिवली गांव प्रधान शिव देवी की रोड हादसे में मौत हो गई। वहीं शिव देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधान संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भावपूर्ण स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधान संघ अध्यक्ष रघुवंश यादव के साथ सभी पदाधिकारियों ने उनके घर पहुंचकर परिवार से मिलकर और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया।
मिर्जापुर के मंजुआ विधानसभा प्रसपा की बैठक इमामबाड़ा स्थित हनुमान मंदिर पर हुई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा ने की। लक्ष्मण उमर जिलाध्यक्ष सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव द्वारा सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। 12 अक्टूबर से यह रथ यात्रा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा से शुरू हो चुकी है, जिसका जन समर्थन पूरे प्रदेश की जनता समर्थन दे रही है। सम्मानित अध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा जी, विधानसभा के सम्मानित प्रभारी श्री शिवशंकर यादव जी द्वारा ये महत्वपूर्ण मीटिंग रखने का काम किया। मैं सभी ऐसे अपने अध्यक्ष और प्रभारी महोदय को और आए हुए सभी जनता दर्दार्दर से आने वाले समय में जब भी जनपद में रथ यात्रा आएगी उसके स्वागत के लिए जनसैलाब उभरना चाहिए, इसी आशा विश्वास के साथ सभी मीटिंग में आए हुए सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जनपद प्रतापगढ़ में लालगंज कोतवाली की अनोखी पहल देखने को मिली है। बता दें कि मोटरसाइकिल के माध्यम से पूरे क्षेत्र में पुलिस ने रूट मार्च निकाला। बता दें कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कोतवाल कमलेश पाल समेत भारी पुलिस बल मौजूद रही। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।